के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवास में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गीता अग्रवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि एक बार फिर सूला में से सूला नगर निगम में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि देवास का विकास हमारे शासन में हुआ है और आगे भी हम ही विकास करेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हमेशा यहाँ खजाना खाली का बहाना बनाते रहे और मामा का खजाना आम जनता के लिए हमेशा भरा हुआ है। 15 महीने की कांग्रेस सरकार, विकास के सारे काम उन्होंने ठप कर दिए थे। गरीबों को मकान देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया और इंदौर में और देवास और सोनगढ़ के बीच एक क्लस्टर बनाया जा रहा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। उनसे कभी पैसा मांगते थे विकास के लिए, तो कहते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया तो खजाना खाली करके चला। तो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। भैया ये तो कोई भी कह देगा, धनी पैदा करूं गल्ला मरना जुम्मन, कोई भी कह देगा मेरे पास पैसा नहीं है। आज हमारी उम्मीदवार बहन गीता या खड़ी है, मैं गीता जी को कह रहा हूं, राजमाता जी और सांसद जी को कह रहा हूं, वो रोते थे कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं मामा के खजाने में पैसा की कमी ही नहीं है। कांग्रेस के रीवा महापौर प्रत्याशी